अच्छा सुनिए, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि एजुकेशन से संबंधित नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज दोस्तों आपका इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन संग्रह करके लाया हूँ। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे सन जो पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ सीरियल से सन वाइज मैं लेके आया हूँ, वही इम्पोर्टेंट जो चीज़ें महत्वपूर्ण घटनाएं लेके आया हूँ इतिहास की, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखो पहला जो प्रश्न दिया ना, भारत में आर्यों का आगमन, आगमन मतलब कब आए थे, 1500 ईसा पूर्व में। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा इसके पीछे जाता हूँ। वैदिक सभ्यता का ये काल है, इसके पहले हड़प्पा सभ्यता था, वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद एक नई सभ्यता है जिसे 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ। इस काल का संपूर्ण काल जो है ना 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि ऋग वैदिक काल कब से कब तक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए दूसरा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? देखो 1540 ईस्वी में, यहां पे महावीर स्वामी के जन्म और निर्वाण और गौतम बुद्ध के जन्म और निर्वाण में कुछ अपवाद पाए जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मतभेद पाया जाता है, लेकिन जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूं। इनका जन्म जो है 1540 ईसा पूर्व, इनका निर्वाण, निर्वाण मीन्स होता है कि मृत्यु को कब प्राप्त हुए थे, 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनका निर्वाण जो था ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। आगे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जाता है जिसमें लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी गई थी, वो 1025 ईसा पूर्व में। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, ये बार बार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में रिपीट करता है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना कब की गई थी, 1793 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक। मार्ले मिंटो सुधार, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछता है, 1909 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 से 1918 ईस्वी तक, ठीक है दोस्तों। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री का वीडियो विस्तृत अगर देखना है तो मैं इसमें इतिहास के सारे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे आप पूरा व्यवस्थित पढ़ लेंगे। अभी मैंने सिर्फ प्राचीन इतिहास शुरू किया है, वहाँ पे पढ़ लेंगे। ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहा हूँ जल्दी जल्दी में कि आपका NTPC का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, जो भी एग्जाम है वहाँ से बार बार ये प्रश्न रिपीट किए जाते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। हम एक सन तो याद कर लेते हैं लेकिन सारे सन जो इम्पोर्टेंट है वो इकट्ठा नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ पे आपको इकट्ठा करके लाया हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक ये विश्व युद्ध चला था, ठीक है। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था, और चौरी चौरा कांड होने के बाद यह असहयोग आंदोलन क्या कर दिया गांधी जी ने, स्थगित कर दिया। साइमन कमीशन का आगमन,
यानी लाला लाजपत राय को जब लाठियों से पीटा गया था, कब? 1928 ईस्वी में उन्होंने ही विरोध किया था लाहौर के स्टेशन पे, साइमन गो बैक गो बैक। ठीक है, तो साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह, यानी दांडी मार्च पूछ दे, नमक सत्याग्रह पूछ दे, तो गांधी जी के द्वारा नमक का कानून तोड़ा गया था कब? 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ था 1946 ईस्वी में, तब कैबिनेट मिशन को भेजा गया था कि भारत में जाओ और वहां भारत का बंटवारा और भारत के संविधान का निर्माण करने की रूपरेखा तैयार करो। तो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 ईस्वी में। अगला, गांधी जी की हत्या कब हुआ था? नाथूराम गोडसे ने 1948 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। चीन का भारत पर आक्रमण, देखो ये हुआ था 1962 ईस्वी में। चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था जिसमें भारत की पराजय हुआ था। ठीक है, अगला, भारत पाक युद्ध। अब देखो भारत पाक युद्ध जो है पूछो तो 1947 में देश आजाद होते ही एक युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान हार गया, फिर एक युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में, फिर पाकिस्तान हार गया, फिर एक युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में, फिर हार गया, फिर एक युद्ध हुआ 1999-98 में, कारगिल युद्ध, वो भी हार गया। जीतना तो कभी उसको आता नहीं है, भंगी देश है तो कहां से जीतेगा, सिर्फ क्या करता है, ललकारता रहता है। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, वही हाल है उसका, आना जाना कुछ नहीं है, बस खाली डायलॉग बाजी करता है। तो भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था, किस कौन प्रधानमंत्री थे उस समय? लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और इनकी सेना को, पाकिस्तान की सेना को इंडिया की सेना गाजर मूली की तरह काट के ले गई थी लाहौर तक। फिर तभी वहां पे क्या हुआ था, ताशकंद में समझौता हुआ था, और इसी ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर देकर मार दिया जाता है। अगला, कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये बार बार एग्जाम आता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम जो हुआ था वो 1930 में हुआ था, द्वितीय जो हुआ था 1931 में हुआ था, तृतीय जो हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। तो ये दोस्तों मेरा छोटा सा वीडियो था आपको, कि एग्जाम में जो बार बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट्स बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम में एक बार जरूर देख के आइएगा, एक से दो नंबर आपका जरूर तैयार मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, इसी के साथ नमस्कार।